भाजपा के पूर्व विधायक राजकुमार मेव ने सोमवार को मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना के तहत कावड़ यात्रा निकाली, जो नर्मदा तट से नाव घाट से प्रारंभ होकर नगर के काशी विश्वनाथ मंदिर में संपन्न हुई। यात्रा के पूर्व श्री मेव ने नर्मदा तट पर मां नर्मदा का पूजन अर्चन करने के साथ दूध तथा जल अभिषेक भी किया। कावड़ यात्रा के दो दिन पूर्व श्री मेव ने ग्रामीण क्षेत्र के शिव भक्तों को मां नर्मदा के जल से भरा कलश भेंट किया। कावड़ यात्रा नर्मदा तट से प्रारंभ होकर नगर के नर्मदा मार्ग, गांधी चौक, राजवाड़ा मार्ग होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची, जहां पर पंडित दिलीप सोहनी के द्वारा मंत्रोच्चार करते हुए भगवान की पूजा और अभिषेक किया गया। ज्ञात हो कि तीन दिवसीय कावड़ यात्रा के दौरान शनिवार को क्षेत्र के संतों और तपस्वियों का उनके आश्रम में जाकर सम्मान किया गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र के भक्तों ने महेश्वर तहसील के विभिन्न गांवों में एक साथ भगवान शिव का जल अभिषेक भी किया। इस अवसर पर नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा गांधी चौक पर कावड़ यात्रियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष कल्याण अग्रवाल, यात्रा संयोजक हरि प्रसाद अग्रवाल, महेश पाटीदार, विक्रम पटेल और विक्रम केवट के साथ में कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। दीदी, आप लगातार कावड़ यात्रा में रही हैं भैया के साथ में, तो विशेष रूप से महिलाओं के लिए क्या मांग करती हैं? महिलाओं के लिए यही मांग कि सभी, यानी कि इस कोरोना संकट काल से सभी मुक्त रहे, सभी स्वस्थ रहे और अपने अपने घर परिवार में सभी अच्छे संपन्नता रहे। और भाई राजकुमार भैया की यह 12वीं कुंभी कावड़ यात्रा, और हम लोग हर साल भैया के साथ कावड़ यात्रा में जाते हैं। अगर आपको राजकुमार भैया के लिए कुछ मांगना पड़ा भगवान से, तो क्या मांगेंगे? भाई के लिए यही मांगते हैं कि हमेशा सदा संपन्न, सुखी और स्वस्थ रहें, और हमेशा माँ नर्मदा और काशी विश्वनाथ भगवान की कृपा से हमेशा आगे प्रोग्रेस करते रहें। बोल बोल बोल। कावड़ यात्रा के दौरान आपकी काफ़ी व्यस्तता रहती है, और कितने समय से पहले से आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं? ये श्रावण महीने लगते ही, उसके पहले ही मुहूर्त देख के और कावड़ यात्रा के लिए फिर इसकी तैयारी होती है, और उसके बाद फिर 8-10 रोज पहले इसका संकल्प लिया जाता है, और संकल्प लेने के बाद पूरी टीम जो हमारे कावड़ यात्रा के सदस्य हैं वो सभी पूरे क्षेत्र में कावड़ यात्रियों की बैठक लेते हैं, और उस तारतम्य में विगत 2 वर्ष से जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल को देखते हुए वृक्षारोपण और मेरा गांव मेरा तीर्थ का उद्देश्य लेकर ये कावड़ यात्रा भगवान आशुतोष काशी विश्वनाथ के चरणों में आज इसका समापन हुआ है। एक इसमें नई चीज़ उभर के आ रही है कि हम 2 साल पहले लाव लश्कर के साथ ओंकारेश्वर तक लंबी यात्रा करते थे, लेकिन उसके बाद फिर हम मेरा गांव मेरा शहर में करने लगे हैं तीर्थ में, तो ये जो चेंज आया है ये कहां से उपजा है? ये शासन की जो गाइडलाइन थी कोरोना को देखते हुए, क्योंकि कोरोना काल को देखते हुए शासन ने जो ये जो कॉन्सेप्ट आया है मेरा गांव मेरा तीर्थ, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? ज़्यादा भीड़ न करते हुए हमने हर गाँव में भगवान शंकर का अभिषेक करवाया, और वो पूरे गांववासी उसमें भाग ले। हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो मानते हैं भगवान शिव को, और भगवान शिव का अभिषेक करने का उद्देश्य था। भाई साहब, आप लगातार खरगोन जिले में सक्रिय हैं जी, और लगातार कावड़ यात्रा में भी आप आते हैं भैया की, तो आप क्या उद्देश्य लेके आते हैं? ये भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है कि जहाँ हम अपने लिए नहीं, अपने क्षेत्र और देश के लिए सोचते हैं, और आज जो ये 12वीं कावड़ यात्रा राजकुमार जी और पूरी टीम ने कोरोना के विनाश के लिए, कोरोना के समाप्ति के लिए इस उद्देश्य से निकाली है, मैं महेश्वर वासियों को भी बहुत बधाई दूंगा। श्रावण मास में भगवान शिव सबकी मनोकामना पूरी करे, यही मेरा शुभकामना है। इस बार कुछ कांग्रेस के लोग भी कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं, तो उनको लेकर आप कुछ कहेंगे? ये भगवान की सरहृदयता ही है कि जो हमेशा धार्मिक कार्यों को या कावड़ यात्राओं को अपने संदेश से कहीं ना कहीं गलत सिद्ध करते थे, उन पर कटाक्ष करते थे, उनको भगवान की शरण में आना हुआ है, और हमारी तो एक भक्त होने के नाते इच्छा है भगवान की शरण में आए। भैया, लगातार आप कावड़ यात्रा निकाले जा रहे हैं, तो इस बार की जो विशेष कावड़ यात्रा है जो पिछले 2 साल से चल रही है, इसका क्या उद्देश्य रहा है? यह कावड़ यात्रा 12वें वर्ष की है। भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही कावड़ यात्रा का 12 वर्ष पूर्ण होता है निर्विघ्न। किसी प्रकार का इस 12वें वर्ष की कावड़ यात्रा में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं हुआ, निर्विघ्न संपन्न हुई है 12वें वर्ष की कावड़ यात्रा। 12 ज्योतिर्लिंग
और 12वें साल में ही कुंभ लगता है, तो कुंभी यात्रा भी कह रहे हैं हम इसको। ऐसी ये 12वें वर्ष की कांवड़ यात्रा है और इस यात्रा को हमने कोरोना का नाश होने के लिए, कोरोना नष्ट होने के लिए, कोरोना देश और दुनिया से चले जाने के लिए हमने इस कांवड़ यात्रा का संकल्प लिया था। और आज भगवान काशी विश्वनाथ जी को जल अर्पित किया है, कांवड़ यात्रा चढ़ाई है और संकल्प किया है कि जल्दी से जल्दी पूरे देश को वैक्सीन लग जाए और पूरा देश स्वस्थ और संपन्न रहे। क्षेत्रवासियों के लिए आपने विशेष क्या मांगा? संपन्नता मांगी है। और अपने लिए? अपने लिए बस मैं देश में ही आता हूँ, क्षेत्र में ही आता हूँ। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए महेश्वर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।